दो गज की दूरी और मास्क जरूरी, इन बातों का ख्याल रखने की जरूरत फिर से आन पड़ी है। कोरोना ने फिर नए स्ट्रेन के साथ दस्तक दी और देखते ही देखते फिर से कोरोना हावी होने लगा है। हिमाचल में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही है। हर दिन के साथ कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। हिमाचल में कोरोना के 422 नए मरीजों की पुष्टि, बीते 24 घंटे में 424 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में फिलहाल 1762 कोरोना एक्टिव केस, कांगड़ा में मिले सबसे ज्यादा 126 पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग की अपील का जमीनी स्तर पर कितना असर हो रहा है ये समझना हो तो हर जिले में कोविड के नए मामलों को देख लीजिए। जिला कांगड़ा नए केस 126, जिला मंडी नए केस 85, जिला हमीरपुर नए केस 71, जिला शिमला नए केस 23, जिला बिलासपुर नए केस 30, जिला सोलन नए केस 20, जिला सिरमौर नए केस 21, जिला चंबा नए केस 10, जिला किन्नौर नए केस 7, जिला ऊना नए केस 14, जिला लाहौल स्पीति नए केस 7। इन आंकड़ों के अलावा कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। 9 अप्रैल को ही एक दिन में कोरोना संक्रमण से 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना की नई स्ट्रेन को भले ही स्वास्थ्य विभाग ज्यादा घातक ना बता रहा हो, लेकिन पहले ही अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए कोरोना संक्रमण का खतरा जानलेवा साबित हो रहा है। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों को गंभीरता के साथ लेना जरूरी है, ताकि बड़े खतरे को समय रहते टाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।